हेलो बेटीज, आप सबका मैं यूट्यूब चैनल सैयद अब्दुल्ला जहांगीर में वेलकम। सो गाइस, आपको मेरे कैटल फार्म पार्ट 3 में है वेलकम। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी आके देख लीजिए। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी काउज और बुफेलोज। तो चलिए अब हम जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं काउज और बुफेलोज को। सो गाइज, अभी आपके सामने आ चुकी है ये वाली काउ जिसको मैंने बचपन से ही खिलाया पिलाया है और बहुत ज़्यादा इसके साथ मैं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी थी जब से मैं इसके साथ हूँ। अब यहाँ पर जो है हमारे पास है पूरे काउ की जो है एक जो है पूरा ग्रुप यहाँ पर जो है खड़ा हुआ है। इतने सारे काउज हैं, ये सारी बेबी काउज हैं और इनमें बुफेलोज के भी बेबीज हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ ही रहा है, ये ब्राउन वाली काउ मुझे बहुत प्यारी लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रही थी। ये तो बहुत प्यारी थी और मुझे लग रहा है शायद ये मेरी वीडियो में भी आना चाह रही थी। अब यहाँ पर आपको सारी काउज नज़र आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स वाली काउज हैं जैसा कि आपको सब कुछ यहाँ पर नज़र आ ही रहा है। अभी आगे आगे हमारे पास और भी काउज हैं तो अभी ये प्यारी सी काउज का मज़े लें और इन्जॉय करें। जैसा कि आपको पता है काउ जो है एक बड़ा सोर्स है हमें मिल्क प्रोवाइड करने का। सो यहाँ पर जो है काउ के जो है दूध निकाला जा रहा है। सो लेट्स सी, सारी काउज जो है रेडी हो रही हैं अपने खाने में मशरूफ भी हैं और सब जो है खाना खा लेने के बाद, जैसा कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया भी था कि वो खाना खाने के बाद कैसे अपने पार्क में यानी जो है एक बड़ा सा यार्ड बनाया हुआ है वहाँ पर जाकर ये जो है टहलती हैं और खूब मज़े करती हैं। जैसा कि हमें एक तरफ से लंच ब्रेक में टाइम जो मिल जाता है वैसा वाला टाइम होता है ही इनका। अभी ऑरेंज कलर के सन भी निकला हुआ है जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है। सर्दियों का टाइम भी है और यहाँ पर ये दूध निकालते वक्त का टाइम है और ये हमारे पास इतने प्यारे से जो है पिजन्स भी हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये लास्ट पार्ट है कैटल फार्म का।